नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के चौथे दिन कर्फ्यू सा दिखा नजारा, सुनसान सड़कों पर ड्यूटी में मुस्तैद रहे पुलिस जवान। मिनी मार्केट में ग्राहकों को ढूंढते रहे व्यवसायी, जिला प्रशासन की सख्ती के बाद आलू प्याज की कीमतों में आई गिरावट। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मस्जिदों में नहीं होगी जुमे की सामूहिक नमाज, खानकाहों के सज्जादा नशी और इमामों ने किया ऐलान। बीपीएल परिवार के लोगों को राशन मिलने में नहीं होगी परेशानी, आधार कार्ड दिखाने पर मिलेगा राशन। और तिलकामांझी पुलिस ने चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित दवाओं को किया जब्त, एक गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन का भागलपुर में गुरुवार को व्यापक असर दिखा। लोग अनावश्यक घरों से नहीं निकले, रोजमर्रा की जरूरत का सामान और दवा आदि लेने के लिए ही लोग घरों से निकले। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे शहर में नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया गया। भागलपुर SSP आशीष भारती के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों ने जगह जगह रोको टोको अभियान चलाया और कई वाहन चालकों से ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना वसूला। साथ ही बेवजह घर से नहीं निकलने की बात कही। लॉकडाउन के चौथे दिन स्मार्ट सिटी में विभिन्न चौक चौराहों पर सन्नाटा पसरा रहा, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। लॉकडाउन के चौथे दिन भागलपुर में इसका व्यापक असर दिख रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के कचहरी चौक पर। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ की सड़कें सुनसान हैं और जो पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, वो वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और हर आने जाने वाले से उसका कारण पूछा जा रहा है। अभियान चलाया जा रहा है। अनावश्यक जो लोग घर से निकल रहे हैं उससे पुलिस के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। लगातार पुलिस के अधिकारी लोगों को रोक रहे हैं, आखिर आप घर से बाहर क्यों निकले हैं, क्या कारण है। अब तक कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो सड़कें हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुनसान सड़कें हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। यह कचहरी चौक का इलाका है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है। आप हम चारों ओर जहाँ से देख सकते हैं कि ये रास्ता गुमटी नंबर 2 की ओर जाता है। यहाँ ये इलाका भी सुनसान है, ये भी सड़कें सुनसान है। ये एक तरफ ये जहाँ से रास्ता जाता है घंटा घर की ओर, आप देख सकते हैं कि एक भी लोग यहाँ पर आपको चलते फिरते नज़र नहीं आएंगे। दूसरी तस्वीर दिखाएंगे कि सिविल कोर्ट की ओर, कचहरी चौक से ही रास्ता सिविल कोर्ट की ओर जाता है, यह सड़क भी सुनसान है। और चौथी तस्वीर हम आपको यहाँ इसी चौराहे से दिखाएंगे कि यह रास्ता सीधे पुलिस केंद्र की ओर जाता है और यहाँ भी सड़कें सुनसान है और पुलिस के अधिकारी लगातार जो लोग चल रहे हैं, अनावश्यक जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उससे कारण पूछ रहे हैं। सिल्क टीवी भी आपसे अपील करती है कि आप अनावश्यक घर से ना निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। अब हम पहुंच चुके हैं तिलकामांझी चौराहे पर, जहां से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जो लॉकडाउन है उसका क्या असर है। यहां पर आप देख सकते हैं तिलकामांझी चौराहे की यह तस्वीर, पूरी तरीके से चौराहे को बैरिकेडिंग कर दिया गया है और पुलिसकर्मी के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हर आने जाने वाले से यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि आवश्यक सेवाओं को ही सिर्फ चालू रखा गया है। तिलकामांझी का यह चौराहा है, तिलकामांझी चौक है, पुलिस की काफ़ी संख्या में तैनाती है और पुलिस के अधिकारी लगातार गश्ती भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी लगातार यहाँ पर तिलकामांझी थाना में यह चौक आता है और पुलिस की गाड़ी यहाँ पर गश्ती कर रही है और पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर दिया गया है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हम आपको विभिन्न चौक चौराहे से तस्वीर दिखाएंगे। लॉकडाउन की भागलपुर में क्या स्थिति है इसको लेकर के हम पहुंच चुके हैं आदमपुर चौक पर। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहां से तस्वीर की किस तरीके से लॉकडाउन की यहां पर तस्वीर दिख रही है। सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग लॉकडाउन का पूरी तरह भागलपुर में पालन कर रहे हैं। आप इस ओर तस्वीर देख सकते हैं कि एक भी लोगों की आवाजाही नहीं है, सिर्फ आवश्यक सेवाएं हैं वही चालू हैं भागलपुर में और जो आवश्यक कार्य हैं उसी को लेकर के लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा पिछले 2 दिनों से लॉकडाउन को लेकर काफ़ी सख्ती बरती गई है, जिसका यह नतीजा आज देखने को मिल रहा है। ये आदमपुर इलाके की यह तस्वीर
तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, बिल्कुल लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है और जिला प्रशासन है, उसके संयुक्त आदेश जारी किया गया है और उस आदेश का, निर्देश का लोग पालन कर रहे हैं और अब घर से नहीं निकले हैं। लॉकडाउन यानी कि कहें तो भागलपुर में पूरी तरह सक्रिय, बिल्कुल भागलपुर में सफल कहीं ना कहीं दिख रहा है लॉकडाउन। एक बार सिल्क टीवी आपसे फिर अपील करती है कि लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना वायरस को चैन को तोड़ने के लिए, इससे कोरोना वायरस से डरे नहीं बल्कि इसको सफल बनाने में अपना सहयोग दें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह लॉकडाउन वायरस से आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए लागू किया गया है। इधर खाने पीने की सामान को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है, लेकिन इन अफवाहों पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भागलपुर जिला प्रशासन की सख्ती के बाद कालाबाजारी करने वालों की कमर टूट गई है और मुनाफाखोरी पर प्रशासन की पैनी नजर है। गुरुवार को भागलपुर मिनी मार्केट में आलू 1800 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल बिका, तो प्याज 2400 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल। आइए हम आपको दिखाते हैं लॉकडाउन के दौरान मिनी मार्केट का हाल। देश भर में लॉकडाउन के बाद लोगों का तांता बाजारों की ओर टूट पड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के मिनी मार्केट में, जो पिछले दो दिनों की स्थिति थी कि जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में ग्राहक आते थे और अपनी ज़रूरतों की सामान खरीदते थे। यह मंडी है, सबसे ज़्यादा यहां आलू प्याज की बिक्री होती है, लेकिन पिछले दो दिनों से जिस तरीके से पूरे शहर में कालाबाजारी हो रही थी, उसके बाद जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने व्यवसायियों के साथ बैठक की और बैठक करके जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आप अगर मुनाफाखोरी करेंगे तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। और इसके बाद यहाँ के जो व्यवसायी हैं, उन्होंने मुनाफाखोरी को पीछे छोड़ दिया और जो उचित मूल्य था प्रशासन के द्वारा, जो उचित मूल्य तय किया गया, उसके हिसाब से लोगों ने, यहाँ के व्यवसायियों ने सामान को बेचना शुरू किया। हमारे साथ कुछ व्यवसायी हैं। इसके पहले हम आपको एक बार तस्वीर दिखा देते हैं कि कल तक जो यहाँ पर तस्वीर थी, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे थे, लेकिन आज जो मिनी मार्केट है, इसमें सन्नाटा पसरा हुआ है, टर्के लगी हुई है, पर्याप्त संख्या में आलू और प्याज यहाँ पर दिख रहा है। एक बार हम चाहेंगे कि आपको दिखाया जाए कि ट्रक पर आलू और प्याज, यहाँ जो भागलपुर का जो मंडी है, इसमें पर्याप्त संख्या में खरीदार यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहे हैं, व्यवसायी हैं। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि सर बताइए, कल तक जो मूल्य था और आज के मूल्य में क्या अंतर है? कल से आज यहाँ 5 रुपया किलो भाव में अंतर है। किलो में कल जो है 2200 रुपया तक बिक रहा था, वो आज 1800 रुपया से 2000 रुपया आलू बिक रहा है। कल जो प्याज 25 रुपया बिक रहा था, वो आज 24-25 रुपया बिक रहा है। बाजार एकदम जो है अवेलेबल है, माल का किसी भी चीज़ का जरूरत, मतलब कि दिक्कत नहीं है, आलू प्याज अवेलेबल है, कस्टमर ही नहीं है लेने वाला। तो लॉकडाउन के बाद भागलपुर में जो लोग हैं, भागलपुर वासी हैं, वो मंडी की ओर आए और काफ़ी संख्या में लोग आए और जहां अपनी ज़रूरत के सामान, आलू प्याज सब्जी खरीदारी करने लगे, लेकिन दो दिनों के बाद आज की जो स्थिति है वह स्पष्ट एकदम दिख रही कि दुकानदार हैं यहाँ पर, सामान लेकर के खड़े हैं, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। एक बार फिर अपील करेंगे आप लोगों से कि आप जो है तो लॉकडाउन का पालन करें, अनावश्यक घरों से नहीं निकले। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। दुनिया में तेजी से फैल रहे महामारी को रोकने के लिए लोग धर्म, संप्रदाय और जाति से ऊपर उठकर सरकारी नियम का पालन खुद करने लगे हैं। भारत सरकार ने 14 अप्रैल तक देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से पिछले दिनों मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने मस्जिदों के इमाम से सामूहिक नमाज पर रोक लगाने की अपील की थी, जिसके बाद विभिन्न मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर सामूहिक रूप से लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। वहीं मस्जिदों में होने वाली नमाज को लेकर बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से भारत सरकार के आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश मस्जिदों, दरगाहों और इमामबाड़ों के प्रबंधन समिति को दिया गया है। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों पर FIR दर्ज करने की बात कही गई है। इधर जुमा की नमाज को लेकर भागलपुर मौलाना चक स्थित खानका आलिया शहवाजिया के सज्जादा नशीं सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहवाजी, खानका पीर दमड़िया शाह मार्केट के उप सज्जादा नशीं सैयद शाह फकरे आलम हसन, जमात इस्लामी हिंद के प्रमंडलीय प्रभारी मौलाना फारूक नदवी समेत कई उलेमाओं ने सामूहिक नमाज नहीं अदा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी लोग शुक्रवार को अपने अपने घरों में ही जौहर की नमाज अदा करेंगे।
वहीं खानकाहों के सज्जादा नशी ने सरकारी गाइडलाइन का लोगों से पालन करने की अपील की है। इधर गुरुवार को शहर के कई मस्जिदों से सामूहिक रूप से जुमा की नमाज नहीं होने का ऐलान किया गया। वहीं भागलपुर जामा मस्जिद के इमाम मौलाना नशीम अहमद अशरफी ने कहा कि जिला प्रशासन के आदेशानुसार मस्जिदों में अजान होगी, लेकिन लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगा और लोग अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे। देखिए, कल तो जुमा का दिन है, जुमा की नमाज इज्तिमाई नमाज होती है, लेकिन पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस तहलका मचाए हुआ है, सारी दुनिया इससे जूझ रही है। हमारे मुल्क में भी कहिए इससे युद्ध, कोरोना का युद्ध हो रहा है, जिससे हम लोग लड़ रहे हैं, हर स्तर से लड़ रहे हैं। हम लोगों ने डीएम साहब की ऑफिस में बैठक के बाद, मशवरे के बाद ऐलान कर दिया कि आप लोग अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़िए, यहाँ सिर्फ अजान होगी, मुअज्जिन इमाम दो तीन आदमी में जमात हो जाती है, वो हो रही है, लोगों को मना कर दिया। अब जुमा के लिए भी हम अपील करते हैं कि सारे हजरात अपने अपने घरों में जहर की नमाज़ अदा करें, यहाँ अजान जुमा की होगी, मुअज्जिन इमाम और एक साफ सफाई वाले तीन आदमी में भी जुमा की नमाज हो जाती है, लिहाजा हम लोग सिर्फ तीन आदमी जुमा की नमाज अदा करेंगे, बाकी लोग अपने अपने घरों में अदा करें। भागलपुर के समीक्षा भवन में नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी की अध्यक्षता में कोरोना वायरस से बचाव एवं लोगों को होने वाली परेशानियों को दूर करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त ने कहा कि बाहर से आने वाले लोग अपनी जांच कराएं और घरों में भी शुरू के 14 दिनों तक आइसोलेटेड रहें, जिससे कोरोना वायरस के फैलने की संभावना खत्म हो सके। बैठक में नगर आयुक्त ने कहा कि राशन लेने वाले लाभुकों को राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड देखकर राशन दिया जाएगा और सभी डीलर राशन के कीमत की सूची लगाकर रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए समस्त नागरिकों को घर में ही रहने की अपील करते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि सभी पार्षद अपने वार्ड में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें और लोगों की हर आवश्यकताओं के समाधान के लिए तत्पर रहें। इस दौरान पार्षदों ने भी अपने सुझाव दिए और कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने का भरोसा दिया। साथ ही नगर निगम के सभी ऑटो चालकों को यातायात की सुविधा मुहैया कराने, एनजीओ द्वारा कच्चा खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात कही गई। बैठक में सदर एसडीओ आशीष नारायण, अपर समाहर्ता राजेश धाराजा समेत कई अधिकारी एवं पार्षद मौजूद थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय महिला जागरण समिति के अध्यक्ष अनुराधा खेतान, आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी ये अपील है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो समस्या हमारे अभी देश पर आ गई है, उससे बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ से परहेज करना है। घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, मास्क लगाकर हमेशा रखना है। कोशिश करिए कि हम घर में भी आपस में बात करें तो मास्क लगाकर बात करें, और मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया है उसमें उनका पूरा सहयोग हमें करना है और हमें घर से बिल्कुल नहीं निकलना है। ऐसी परिस्थिति में बचने के लिए हमें हर परहेज को करना ही, हमारे जीवन को बचाना है। बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन को लेकर तिलकामांझी पुलिस की ओर से चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान गुरुवार को पुलिस ने तिलकामांझी चौक पर अवैध रूप से प्रतिबंधित दवाओं के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान भागलपुर हुसैनाबाद मरकज टोला निवासी मोहम्मद गुलाम सरवर के रूप में हुई है। पुलिस ने काफी मात्रा में प्रतिबंधित सिरप एवं दवा के साथ गुलाम सरवर को हिरासत में लेकर पूछताछ किया और मामले की सूचना ड्रग इंस्पेक्टर को दी। सूचना मिलते ही ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद थाना पहुंचे और जांच करने के बाद सभी दवाओं को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज कराया। ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद ने कहा कि संदेह के आधार पर हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास से 140 बोतल कप सिरप के साथ सैनिटाइजर और अन्य दवाओं को जब्त कर पूछताछ की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि जब्त किए गए दवाओं का प्रयोग नशे के लिए किया जाता है और गिरफ्तार व्यक्ति के पास इससे जुड़े कोई कागजात भी नहीं है। ये तिलकामांझी थाना द्वारा गश्ती के दौरान तिलकामांझी चौक पर सामने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और वो अपाची मोटरसाइकिल से जा रहा था। उसके बैग में ऊपर से 4-5 फाइल सैनिटाइजर रखा हुआ था और अंदर में काफ़ी मात्रा में नशे में उपयुक्त होने वाला कफ सिरप और कैप्सूल बरामद किया गया। इसके बाद तिलकामांझी थाना प्रभारी द्वारा मुझे फ़ोन किया गया, जो हम यहाँ आए उसका जांच पड़ताल किए तो देखे कि भारी मात्रा में कफ सिरप जो जिसमें कोडिन मिला हुआ है और कैप्सूल जो कि नशे में उपयुक्त होता है बरामद किया गया। मामला दर्ज किया और मेरे द्वारा अभी प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। दवा को सीज कर लिया गया है, उसका जांच नमूना भी लिया गया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखकर देश भर में किए गए लॉकडाउन के बाद आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी की शिकायत पर नवगछिया एसडीओ मुकेश कुमार ने खाद्य विक्रेताओं के साथ बैठक की। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में नगर पंचायत क्षेत्र के खाद्य सामग्री विक्रेताओं को एसडीओ ने नियत मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस दौरान एसडीओ ने कहा कि नवगछिया बाजार में कई दुकानों का निरीक्षण किया गया है और मूल्य से अधिक कीमत नहीं लेने का निर्देश दुकानदारों को दिया गया है। वहीं एसडीओ ने कहा कि कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों पर प्रशासन की सख्त नज़र है और पकड़े जाने पर विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से दहशत में है, वहीं इससे बचाव को लेकर देश एवं राज्यों में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की जा रही है। गुरुवार को पीरपैंती प्रखंड के मानिकपुर पंचायत की मुखिया उषा देवी अपने पति अरविंद शाह के साथ पूरे क्षेत्र में माइकिंग कर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया। मुखिया ने गांव के लोगों को साफ सफाई का खासा ध्यान रखने, सावधानी बरतने एवं बाजार गए लोगों से 3 फीट की दूरी बनाकर रहने की अपील की। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा घोषित 21 दिनों के लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कई कोषांग का गठन किया है। इधर लॉकडाउन को लेकर भागलपुर के अपर समाहर्ता राजेश झा राजा ने शहरवासियों से अनावश्यक घरों से नहीं निकलने की अपील की। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी आशीष नारायण ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात कही। सदर एसडीओ ने कहा कि कुछ लोग बिना किसी कारण के घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिस पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने सभी से बेवजह घर से निकलने की गलती नहीं करने की अपील की। वहीं कालाबाजारी के सवाल पर सदर एसडीओ आशीष नारायण ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और जो लोग कालाबाजारी करते पकड़े जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन को लेकर तो एक ही अपील है, जो सभी लोगों को अपने घर में रहना है और घर में भी जो प्रोटोकॉल का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है और बहुत अधिक आवश्यक हो, जैसे कि कोई बीमार पड़ गया है या खाद्यान्न का कोई सामग्री लाना है तो उसके लिए भी हम लोग यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि होम डिलीवरी हो जाए, तो उसी परिस्थिति में वो बाहर निकले, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में बाहर। इस सबसे पहले तो अनावश्यक रूप से जो लोग घूम रहे हैं उनको ये संदेश देना आवश्यक है कि वो घर में रहें। जब तक हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूरी पर नहीं रहेंगे, तब तक इस पे कंट्रोल नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि लोग बेवजह भी घूम रहे हैं। कल मैंने खुद सारे जगहों पे घूमकर लोगों को जागृत किया है। कुछ लोगों से सख्ती से यूपीएस आना पड़ा है क्योंकि लोग जबरदस्ती घूम रहे थे बाहर में बिना किसी कारण बेवजह। तो अगर अति आवश्यक ना हो, कोई मेडिकल ज़रूरत ना हो, कोई ऐसी ज़रूरत ना हो कि आपको बाहर निकलना अति आवश्यक है, तो तभी आप बाहर निकले, या नहीं तो घर में ही रहें। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
लॉकडाउन के चौथे दिन कर्फ्यू सा दिखा नजारा, सुनसान सड़कों पर ड्यूटी में मुस्तैद रहे पुलिस जवान। मिनी मार्केट में ग्राहकों को ढूंढते रहे व्यवसायी, जिला प्रशासन की सख्ती के बाद आलू प्याज की कीमतों में आई गिरावट। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मस्जिदों में नहीं होगी जुमे की सामूहिक नमाज, खानकाहों के सज्जादा नशी और इमामों ने किया ऐलान। बीपीएल परिवार के लोगों को राशन मिलने में नहीं होगी परेशानी, आधार कार्ड दिखाने पर मिलेगा राशन। और तिलकामांझी पुलिस ने चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित दवाओं को किया जब्त, एक गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।